तो अभी मैं अपने मोहल्ले के गणेश जी के पास आया हूँ और अब गणेश जी को सराहने जा रहे हैं, तो आप उसका वीडियो देखोगे। जैसा कि आप देख रहे हो, तैयारी पूरी हो रही है। अब गणेश जी का विसर्जन होना है, तो इसलिए अब कोशिश यही की जा रही है कि बारिश का मौसम बन रहा है, तो बारिश से पहले ही हम लोग गणेश जी को ट्रक पर चढ़ा दें, ताकि आराम से अपने जहां पर विसर्जन होना है वहां तक पहुंच सके। बाकी अभी पहुंचने में तो कई घंटे लग जाएंगे, क्योंकि रास्ते में बहुत ही डांस करते हुए, प्रसाद बांटते हुए ऐसे जाते हैं। और वो रही अपनी ट्रक, जिस पे गणेश जी जाएंगे उस ट्रक पर ले जाएंगे, और बाकी सब लोग अपनी बाइकों से जा रहे हैं। हम लोग भी शायद बाइक से ही जाएं, उस पर ट्रक पर गणेश जी और महिलाएं और कुछ जेंट्स होंगे, बाकी बच्चे तो डांस करते हुए जाएंगे पूरे रास्ते। तो चलते देखते हैं गणेश जी को रखवाते हैं ऊपर। तो अब गणेश जी को सहराने की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। अब यहाँ से हम लोग गाड़ी में चढ़ाएंगे, तो प्रशासन के हिसाब से जहाँ पर अलाव होगा वहाँ पर गणेश जी को विसर्जित करेंगे। तो चलते हैं। दारू पी के लोड हो गया ये आदमी। बस चाचा लोग एकदम मगन होके डांस पर डांस कर रहे हैं, और भाई यहाँ पर कुछ गड़बड़ भी चल रहा है, आपने देखा अगर हो तो। ये जो भाई जो नाच रहे हैं, ये सब नाच होश में हो रहा है या किसी और कारण से। जितने भी बच्चे देख रहे हैं, इनको भी ले लो ब्लॉग का, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आज, जब से गणेश जी आए हैं। और कल तो अपना भंडारा भी था यहाँ पर, तो सभी बच्चे लगे हुए थे। खाने की प्रक्रिया चालू हो गई है। भैया
सकते हो कि सब लोग के ताकत लगाने के बाद हम लोगों ने रख ही लिया गणेश भगवान को ट्रक पर और बहुत ही अच्छी तरीके से रखा गया, कोई दिक्कत नहीं आई। सब लोगों ने एकजुट होकर जब ताकत लगाई तो बापा ने भी ताकत दी और अच्छे से सब कुछ रख गया। और बहुत ही भीड़ हो चुकी है भाई, और पूरे मोहल्ले के ही लोग लगभग आ चुके हैं यहाँ पर, क्योंकि अब इसके बाद तो अगले साल ही दर्शन होने हैं बापा के, तो सब विदाई दे रहे हैं और चलते हैं फिर अब आगे हैं। भाई ऑसम लग रहा है, भीड़ तो बहुत ज़्यादा है, लगभग सभी लोग हो गए। अब इसमें से कुछ लोग शायद जाएं, क्योंकि ट्रक अपनी बहुत बड़ी है, और कुछ लोग यहीं से विदाई लेंगे थोड़ा और आगे चलकर। हम ही लोग नहीं है विसर्जन में, बहुत सारे गणेश जी जा रहे हैं।
ऐसा है। तो विसर्जन के लिए हम लोग निकल दिए हैं, आगे डीजे हैं, हम लोग बाइक से जा रहे हैं और यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर पड़ेगी गंगा जी, तो वहाँ जाएंगे और विसर्जन करेंगे। आगे के डीजे चल रहा है, आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा, तो आपको मैं डीजे दिखाता हूँ कहाँ पर है। तो जाम तो लग रही है भाई, लेकिन मजा भी आ रहा है। ये रहा अपना बस ट्रक जो भी आप बोलो, जिसमें सब लोग लदे हुए हैं और आगे आगे डीजे चल रहा है। देखिए आप यार, एकदम मस्त पीसफुल हो रखा है, चारों तरफ एकदम खेत से और ये नदी का किनारा देख लो भाई, और मौसम भी जबर हो रखा है, ना ही गर्मी है और ना ही बरसात हो रही है, तो छाए वाला मौसम है। तो चलते हैं और नज़दीक से देखते हैं हम लोग। गणेश जी को उतारना भी लोगों ने शुरू कर दिया है ट्रक से, क्योंकि उतार कर ही विसर्जन होगा।
काफी लोग लगे हुए हैं, क्योंकि भारी भी है मूर्ति। मूर्ति का वजन इतना ज्यादा है कि उसमें अगर इतने लोग ना लगे तो हो नहीं पाएगा, तो इतने लोग तो चाहिए ही होंगे। फिलहाल अब मूर्ति उठ गई है, तो अब ले चलते गंगा जी में तैराने के लिए। झूठ कितना बोली, पाप पड़ी। बहुत बड़ा पाप पड़ी। चली साहब, चली इधर आ बे। तो फाइनली विसर्जन के बाद अब सब लोग अपने अपने घर जाएंगे। तो सब लोग जो गाड़ी में आए थे उसी गाड़ी से ही जाएंगे। कुछ लोग ये ट्रक से आए थे और कुछ लोग ई रिक्शा, अपनी बाइक जैसे भी आए थे। अब टाइम भी ज़्यादा हो रहा है। तो हम भी लोग चलते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। गणपति विसर्जन का वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और मैंने कोशिश की है कि जितना मैं कवर कर सकता था उतना किया, क्योंकि मैं बाहर था इसलिए पुराने फंक्शन के वीडियो तो दिखा नहीं पाया। मैं कल ही आया हूँ, तो जो हो सका उतनी मैंने रिकॉर्डिंग की और आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बाकी आप लोग शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना, ऐसे ही वीडियो मैं आगे भी आपको और बना के अच्छे अच्छे भेजूँगा। थैंक यू, बाय बाय।